हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या भारती मुजफ्फरनगर ऑनलाइन क्लासेस। आई एम दीपिका वर्मा फ्रॉम भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज न्यू मंडी मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू रीड द लेसन ऑफ क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश बुक रेनबो टॉपिक चंद्रशेखर आज़ाद। स्टूडेंट्स, एज यू नो आवर इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन 15 अगस्त 1947। इस स्वतंत्रता के लिए हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, आप जानते हैं। ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमें इंस्पिरेशन देता है और हमें प्रेरणा से भर देता है कि किस तरीके से फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे देश को आज़ाद कराया। लेट स्टार्ट द टॉपिक। बिफोर स्टार्ट द टॉपिक, न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स, फियरलेस, निडर, फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, डिस्गाइज्ड, वेश बदला यानी भेष बदला, प्रेस्ट, पुजारी, प्रोवोक्ड, उसका उकसाया, लैशेज, कोड़े लगाना, मेंटर, परामर्शदाता, रेवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी, मस्काई, हत्याकांड, प्लेज, प्रतिज्ञा, रिसाइट, सुनाना, सरेंडर, आत्मसमर्पण। नाउ लेट्स रीड द लेसन। चंद्रशेखर आजाद, पॉपुलरली नोन एज आजाद, वॉज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया। चंद्रशेखर आजाद, पॉपुलरली नोन एज आजाद, जो आजाद के नाम से विख्यात हैं, जाने जाते हैं, वाज वन ऑफ द मोस्ट फियरलेस, वो सबसे निडर एंड ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं, एक थे। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जागरणी देवी, वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भवरा इन जबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कहा ही, वे सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जागरणी देवी, कि पंडित सीताराम तिवारी और जागरणी देवी के बेटे, जिनका जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश राज्य के जबुआ डिस्ट्रिक्ट में एक भवरा गांव था उसमें हुआ था। तो इनके पिता माता पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जागरणी देवी। जन्म कहाँ हुआ इनका? भवरा गांव में। आगे पढ़ते हैं, ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भवरा, कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भवरा में पूरी की। फॉर एजुकेशन ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। फॉर एजुकेशन, आगे की पढ़ाई के लिए ही वेंट, वो गए इन संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी, वाराणसी के संस्कृत पाठशाला में। क्यों? क्योंकि उनकी माँ उनको एक संस्कृत का प्रकांड विद्वान बनाना चाहती थी। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान, वो भगवान हनुमान के ग्रेट वर्शिपर, वर्शिपर मीन्स होता है पुजारी थे। वंस ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज ए प्रीस्ट इन ए हनुमान टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश पुलिस। वंस, एक बार, ही डिस्गाइज्ड, डिस्गाइज्ड मीन्स हमने अभी देखा था, डिस्गाइज्ड मीन्स वेश बदला, कि उन्होंने वेश बदला हिमसेल्फ, अपने आप उन्होंने वेश बदला एज ए प्रिस्ट, एक पुजारी का, इन ए हनुमान टेम्पल, हनुमान टेम्पल यानी एक हनुमान जी के मंदिर का, टू एस्केप, बचने के लिए फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश पुलिस, ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से। तो ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए उन्होंने एक बार उन्होंने क्या किया, उन्होंने पुजारी का वेश बदला। यंग चंद्रशेखर वॉज अट्रैक्टेड बाय द नॉन वायलेंस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920-21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। स्टूडेंट्स, जो यंग चंद्रशेखर थे, नवयुवक चंद्रशेखर थे, वॉज अट्रैक्टेड, वो आकर्षित हो गए किससे? बाय द नॉन वायलेंस एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन वायलेंस यानी जो अहिंसा, और नॉन कॉपरेशन जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चल रहा था,
उससे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, अट्रैक्ट हो गए, यानी आकर्षित हो गए। ही ज्वाइन द मूवमेंट, उन्होंने भी उस मूवमेंट, उस आंदोलन में भाग लिया एंड अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, और वाज अरेस्टेड जब उन्होंने उसमें आंदोलन में उन्होंने जुड़े तो उनको भी अरेस्ट किया गया, उनको भी पकड़ा गया पुलिस के द्वारा एंड प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट, और उनको प्रोड्यूस किया गया, प्रोड्यूस मीन्स होता है ले जाया गया या पेश किया गया किसके सामने, मजिस्ट्रेट के सामने। ही गेव हिज नेम एज आजाद, हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्रता मीन्स फ्रीडम एंड हिज रेजिडेंस एज प्रिजन, उन्होंने अपना नाम आजाद बताया, अपने पिता का नाम स्वतंत्रता यानी फ्रीडम एंड और हिज रेजिडेंस और अपना जो पता बताया वो बताया जेल। जब उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा बताइए आपका नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम क्या है, आजाद। उन्होंने पूछा आप अपने पिता का नाम बताइए, तो उन्होंने कहा कि मेरे पिता का नाम क्या है, स्वतंत्रता। उन्होंने और पूछा कि माता का नाम बताइए, तो उन्होंने माता का नाम बताया मातृभूमि, और पता बताया उन्होंने क्या, जेल। तो ऐसे थे हमारे चंद्रशेखर आजाद। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट हु सेंटेंस हिम टू 15 लैशेस, जब उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने ऐसी बात कही तो इससे जो मजिस्ट्रेट थे वो प्रोवोक्ड हो गए, प्रोवोक्ड मीन्स होता है भड़क गए उनकी बात को सुनकर, तो वो प्रोवोक्ड हो गए। हु सेंटेंस हिम टू 15 लैशेस, जिसके लिए उनको 15 कोड़ों की सजा दी गई। फ्रॉम देन ही वॉज नोन एज आजाद, और तभी से उनको आजाद के नाम से जाना जाता है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि उनके पिता का नाम क्या था, पंडित सीताराम तिवारी, तो इनका जो रियल नेम था वो था चंद्रशेखर तिवारी, लेकिन इनको हम आजाद के नाम से जानते थे उनकी निडरता के कारण। आगे बढ़ेंगे। आजाद पेट्रियज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, आजाद की जो पेट्रियज्म मीन्स देशभक्ति एंड करेज और साहस, इंस्पायर्ड मीन्स होता है प्रेरित किया अदर्स दूसरों को भी टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल, कि वो भी स्वतंत्रता के इस संघर्ष में शामिल हो, वो भी जुड़े। आजाद की देशभक्ति और उनकी साहस ने, उनकी निडरता ने दूसरों को भी हिम्मत दी, उनको भी प्रेरित किया और वो भी स्वतंत्रता के जो संघर्ष था उससे वो भी जुड़े। चंद्रशेखर वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है मेंटर, मेंटर मीन्स होता है सलाहकार, यानी जो सलाह देने वाला होता है उसको मेंटर कहा जाता है। चंद्रशेखर वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह, भगत सिंह यू नो द नेम, ही इज ऑल्सो ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, तो चंद्रशेखर जो थे वो भगत सिंह के मेंटर थे, यानी उनको सलाह देते थे। हु वॉज ऑल्सो ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो अपने आप एक महान क्या थे, फ्रीडम फाइटर थे। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, बोथ दोनों, कौन, चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह, एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, उन्होंने सक्रियता से भाग लिया इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, रेवोल्यूशनरी आंदोलनकारी जो एक्टिविटीज चल रही थी, यानी जो गतिविधियां चल रही थी उसमें उन्होंने दोनों ने सक्रियता से भाग लिया, तभी तो वो फ्रीडम फाइटर यानी ग्रेट फ्रीडम फाइटर जाने जाते हैं। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब बाय द जलियांवाला बाग मस्कारे इन अमृतसर इन 1919 में अमृतसर में जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उससे वो बहुत ज़्यादा कैसे हो गए, डिस्टर्ब हो गए, आहत हो गए थे, अंदर तक वो आहत हो गए थे, और अब उनके मन में जो भावना थी वो उड़ गई थी कि अपने देश को स्वतंत्र कराना ही है। ही ऑल्सो प्लेड ए की रोल इन द काकोरी केस, चंद्रशेखर आजाद ने ही ऑल्सो प्लेड, उन्होंने एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इन काकोरी केस। काकोरी केस आप जानते हैं कि काकोरी केस काकोरी कांड के नाम से हमारे हिस्ट्री में फेमस है। ये जो काकोरी केस है ये 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक एक जगह थी
वहाँ पर ट्रेन एक आप कह सकते हैं कि ट्रेन को लूटा गया था। तो यहाँ पर क्या था कि ब्रिटिश का जो खजाना था उसको लूटकर उन्होंने उसको लूटकर उसको अंजाम दिया था। और ये जो केस है ये काकोरी कांड के नाम से फेमस है। चंद्रशेखर वॉज ए टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। चंद्रशेखर जो थे वो अब पुलिस के लिए एक टेरर बन गए थे। टेरर मीन्स होते हैं खतरा बन चुके थे, क्योंकि वो उनका जो जोश था वो बहुत ज़्यादा था। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट, कि वो जो थे वो उनकी कैसी सूची में थे, वांछित सूची में थे, हिट लिस्ट में, कि वो चाहते थे, क्या चाहते थे कि द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव, कि ब्रिटिश पुलिस उनको जिंदा या मरा हुआ उनको पकड़ना चाहती थी, तो वो उनकी हिट लिस्ट में थे। ऑन 27 February 1931 चंद्रशेखर आजाद वॉज एट अल्फ्रेड पार्क इन अलाहाबाद। 27 February 1931 को चंद्रशेखर आजाद जो थे वो अलाहाबाद के एक अल्फ्रेड पार्क में थे। He was betrayed by an informer to the British police. Betrayed word आया है, betrayed means होता है धोखा दिया गया, कि उनको धोखा दिया गया किसके द्वारा, एक informer, एक जो मुखबिर होता है, जो British government का जो मुखबिर था उनके द्वारा उसको धोखा दिया गया। The police surrounded the park and ordered चंद्रशेखर आजाद to surrender. पुलिस ने उस सराउंडेड द पार्क, उस पार्क को चारों ओर से घेर लिया एंड ऑर्डर्ड, और ऑर्डर दिया चंद्रशेखर को टू सरेंडर, कि वो आत्मसमर्पण कर दे। आजाद फाउट ब्रेवली एंड किल्ड द पुलिसमैन। आजाद, जैसा कि हमने अब तक पढ़ा है कि उनके अंदर साहस कूट कूट कर भरा हुआ था, तो उन्होंने बहादुरता के साथ उन्होंने सामना किया और लड़ाई लड़े उनसे, पुलिस वालों से, और बहुतों को मार गिराया। फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, अंततः जब उन्होंने पाया कि वो पुलिस से चारों ओर से घिर गए हैं, ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली। तो ये भी बहुत बड़े साहस की बात है। दस ही कैप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव। दस इस प्रकार से ही कैप्ट हिज प्लेस, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, जिंदा मतलब वो जो थे वो अलाइव उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट को नहीं पकड़ उनको नहीं पकड़ सके। ही यूज टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, वो अक्सर अपनी जो हिंदी कपलेट उनका जो एक दोहा था वो उसको गाते थे, सुनाते थे, क्या दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आजाद ही रहे हैं आजाद ही रहेंगे। तो अपने इसी जो उनकी प्लेस थी उन्होंने अपने अंतिम सांस तक उसको पूरा किया। तो इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं जैसा हमने चैप्टर में पढ़ा उसके क्वेश्चन आंसर्स को देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन इज Who was popularly known as आजाद, कि कौन आजाद के नाम से जाना जाता है। तो आपने स्टोरी में पढ़ाई है, क्या है, चंद्रशेखर आजाद। When and where was चंद्रशेखर born? चंद्रशेखर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चंद्रशेखर आजाद was born on 23rd July 1906 in a village भवरा in Jabua district ऑफ मध्य प्रदेश। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भवरा गांव में, जो कहाँ था, जबुआ डिस्ट्रिक्ट के, यानी मध्य प्रदेश के जबुआ डिस्ट्रिक्ट में हुआ, एक भवरा गांव में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन, नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वॉज अरेस्टेड, कौन से मूवमेंट के लिए उनको अरेस्ट किया गया था। तो कौन, नॉन वायलेंस एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय आजाद। मजिस्ट्रेट ने क्या किया जब, व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय आजाद, जब उनको आजाद ने उकसाया।
द मजिस्ट्रेट सेंटेंस्ड आजाद टू 15 लैशेज. मजिस्ट्रेट ने उनको 15 कोड़ों की सजा दी. व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय हिम, जब उनके द्वारा उनको उकसाया गया था, भड़काया गया था. नेक्स्ट, व्हाट वाज आजाद प्लेस, हाउ डिड ही कीप इट. आजाद की प्लेस क्या थी, उनकी प्रतिज्ञा क्या थी और उन्होंने उसको कैसे पूरा किया. आजाद प्लेस वॉज नॉट टू बी कॉट अलाइव. आजाद की प्रतिज्ञा क्या थी कि वो कभी भी जीते जी ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आएंगे, तो उन्होंने इसको पूरा किया. व्हेन ही फाउंड हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, जब उन्होंने अपने आप को पुलिस से चारों ओर से घिरा पाया, ही शॉट हिमसेल्फ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली. दस ही कैप्ट हिज प्रोमिस, और इस तरीके से उन्होंने जो प्रोमिस किया था वो निभाया. तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे. ये जो महान व्यक्ति होते हैं, इनकी स्टोरी से, इनकी लाइफ से हमें भी प्रेरणा मिलती है. थैंक यू.